Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Today in this lecture, we are going to discuss the lecture of Fundamentals of Agriculture, Arun Kathan Volume 2. And here, Chapter 12 is started. Today we will discuss the insect pest of some important crop, and that crop is sugarcane. In the earlier part, we have covered rice and cotton also. Okay, but now here we start with sugarcane crop. Okay, so let's start this video, but make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon so that you get all the notifications from this channel. Now here, this is the list of insect pest of sugarcane. Isme total 8 insects diye hain. पर डोंट वेरी, हमको आर्ट के आर्ट स्टडी नहीं करने, इनमें से जो मेजर वन होते हैं हमको वही फर्दर स्टडी करने होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली एक बार देख लेते हैं। गॉट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट वन है शुगर केन लीव हॉपर। ओके, लीव हॉपर का मतलब है लीव्स पे क्या करेगा, जंप करता रहेगा। इसका साइंटिफिक नेम है पारिला पर्पुसेला। इट बिलोंग्स टू द फैमिली फुलगोरिडी। ठीक है, फैमिली के नाम याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसका साइंटिफिक नेम को याद रखना। ठीक है, देखो लीफ हॉपर है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, थोड़े से निमोनिक्स लगा के, इमेजिनेशन बना के आप इसके साइंटिफिक नेम को कुछ हद तक ईजी तरीके से याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने जो तरीका बनाया है वो आपके संग शेयर कर देती हूँ। शुगर किंग लीफ हॉपर के पास इमेजिन करो एक पर्स है जो बहुत ही प्यारा पर्स है। कैसा है? प्यारा पर्स। तो शुगर किंग लीफ हॉपर के पास प्यारा पर्स, तो प्यारा से पायरिला, पर्स से बना पर्पुसेला, पर्स। ठीक है, पर्स पर्पुसेला, थोड़े से शब्द मिलते जुलते लग रहे थे, तो यहाँ पे आप इस ट्रिक को अपना सकते हो। बाकी अगर आपकी ऑलरेडी कोई ट्रिक है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है शुगर किंग रूट बोरर। ठीक है, अब रूट्स कहाँ पर होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये शुगर किंग रूट बोरर जो है ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम है इमेलोसेरा डिप्रेसेला। ठीक है, इमेलोसेरा को कैसे याद रखना है वो आप जानो, लेकिन डिप्रेसेला को याद रखने का ट्रिक ये है कि जो शुगर किन रूट बोरर है ये रूट्स के अंदर पाया जाएगा। रूट्स एकदम ज़मीन के अंदर होती हैं, तो ये बेचारा ज़मीन के अंदर एकदम दबा हुआ है, डिप्रेस हो रखा है, डिप्रेशन का शिकार है। तो रूट से जो रूट बोरर है वो डिप्रेस है, डिप्रेसेला याद रखना है। ठीक है, इमेलोसेरा डिप्रेसेला बिलोंग्स टू द फैमिली पायरेलिडी फैमिली। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन है शुगर किंग शूट बोरर। रूट बोरर ज़मीन के अंदर था, डिप्रेस था, लेकिन अब शूट बोरर की बारी आ गई। शूट बोरर कहाँ पे होगा? शूट बोरर ऊपर की तरफ होता है। शूट्स कहाँ पे होती हैं? ग्राउंड के अबव सरफेस पे। ठीक है, शूट बोरर क्या करेगा? एकदम चिल है, उसको डिप्रेशन नहीं है, वो चिल है। तो यहाँ पे चिलो याद रखना, चिलो इन्फोस्कैटलस। ठीक है, इन्फोस्कैटलस में आप सीएटी कैट याद रख लो। शूट बोरर ऊपर चिल कर रहा है, किसके साथ? कैट के साथ चिल कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे आपका नाम याद हो जाएगा, चिलो इन्फोस्कैटलस बिलोंग्स टू फैमिली क्रैम्बिडी। गॉट इट। रूट बोरर रूट्स के अंदर था, इधर ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है, डिप्रेस है, डिप्रेसेला। शूट बोरर ऊपर है, चिल कर रहा है कैट के साथ, चिलो इन्फोस्कैटलस। अब फोर्थ वन जो है हमारा, दैट इज शुगर किंग टॉप बोरर। अभी एकदम टॉप पर है। ठीक है, आपने, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा ट्रोपोराइजा निवेला। अब कैसे याद रखना है इसको? देखो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा टॉप पे चले जाते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने नए नए घर में रहना स्टार्ट करते हैं, एक नया घर लेते हैं। ठीक है, घर को आप इंग्लिश में विला बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टॉप पोजिशन में रहते हैं और एक न्यू विला में रहते हैं। कहाँ रहेंगे? ये ट्राई करेंगे कि अपने लिए एक नए नए विला खोजते रहें। ठीक है, नए नए विला में रहते रहें, तो ट्राई करेंगे, इसे ट्राई से याद रखना है ट्रोपोराइजा। नए विला में रहेंगे तो न्यूवेला, निवेला, न्यूवेला, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप बोरर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ट्रोपोराइजा निवेला बिलोंग्स टू फैमिली पायरेलिडी। फोर्थ वन आती है हमारा शुगर किन वाइट फ्लाई। ये कोई बहुत मेजर इंसेक्ट पेस्ट नहीं है शुगर किन का, बट थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम इसका हो जाएगा एल्कुरो लोबस बार्बोडेंसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा अपना ट्रिक बननी पाई वो आप अपना बना लो। ठीक है, बिलोंग्स टू द फैमिली एल्यूरोडिडी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ वन जो है हमारा गुरदासपुर बॉर्डर। ये मेजर पेस्ट है गुरदासपुर।
ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है बिसीटिया स्टेन नीला। ठीक है, याद रखो, वैसे गुरदासपुर जो एक जगह का नाम है आपको पता हो तो, पंजाब में जो पंजाब राज्य है उसके अंदर एक जगह पड़ती है गुरदासपुर। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम दिया है गुरदासपुर बॉरर, साइंटिफिक नेम इसका है पिसीटिया स्टेनेला। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि पंजाब का जो गुरदासपुर वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सारा स्टील बनता है, वो स्टील जो होता है उसको नीले रंग का बना देते हैं, स्टी नीला। ठीक है, कुछ भी आप बना लो अपना स्टी नीला इस तरह से याद रखने के लिए। ठीक है, फैमिली पायलडी अगेन। ओके, सेवन्थ वन है हमारा स्टॉक बोरर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम है चिल्स एरिकुलरिस। ठीक है, पायरल्डी फैमिली, शुगर किन मिलीबग सकैरी कोलस सकैरी, बिलोंग्स टू फैमिली सीडो कॉक्सीडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर पेस्ट है उनकी हम फर्दर डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंसेक्ट आता है मेजर में, दैट इज़ शुगर किन लीफ हॉपर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था लीफ हॉपर लीव्स के ऊपर कूदता रहता है और इसके पास ही बहुत प्यारा सा पर्स है, तो प्यारा से पर्स है आपको याद होना चाहिए पायरिला पपूसिला इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक है, अब शुगर किन लीफ हॉपर की हम थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, साइड बाय साइड आपको इसकी जो इमेज है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो शुगर किन लीफ हॉपर में मेन जो डैमेज होता है वो अडल्ट और निम्फ करते हैं। ठीक है, अडल्ट निम्फ क्या करते हैं, दे विल सक द सेल्स ऑफ फ्रॉम द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव, प्लांट्स के जो लोअर सर्फेस होगा वहाँ से पूरा सेल सैप को सक करेगा। अब जब भी सेल सैप को सक करते हैं, इसके साथ साथ ये हनी ड्यू लाइक सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, एक हनी लाइक सब्सटेंस जिसको हम हनी ड्यू बोलते हैं उसका सिक्रीशन करते हैं। अब हनी कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो स्टिकी होने के कारण बाद में फंगस की भी यहाँ पे एक ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और होता क्या है, फंगस इस हनी ड्यू स्ट्रक्चर के साथ जो है स्टिक हो जाएगी और वो जो फंगस ग्रो होती है वो स्पेशली ब्लैक कलर की फंगस यहाँ पे ग्रो होती है, तो उसको हम बोलते हैं सूटी मोल्ड। ठीक है, वो फंगस जो होती है सूटी मोल्ड होता है। ठीक है, आपको पता होगा फंगस और मोल्ड, ठीक है, इफ मोल्ड भी एक तरह की फंगस ही होती है। तो ठीक है, तो ब्लैक कलर का जो फंगल एक मास वहाँ ग्रो होने लगता है वो उस हनी ड्यू लाइक सब्सटेंस स्टिक हो जाएगा, दैट इज नोन एज सूटी मोल्ड। और इस कारण क्या होता है, प्लांट का जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो सूटी मोल्ड से कवर हो जाएगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हिंडर हो जाएगी, रुक जाएगी, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इन इनफैक्ट शुगर केन अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ शुगर बोथ आर डिक्रीज। ठीक है, तो प्लांट में अटैक होने के कारण इसका जो शुगर क्वालिटी है कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, 35% रिडक्शन इन शुगर। ठीक है, केन जूस फ्रॉम इन्फेक्टेड केन डज नॉट सॉलिडिफाई प्रॉपरली। अब जो गन्ने का जूस जो हम पीते हैं वो प्रॉपरली क्या है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन अगर इस इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो होता क्या है कि वो जूस जो है प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, द पीक पीरियड ऑफ इन्फेस्टेशन इज सेप्टेम्बर टू नवंबर का, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा पीक इन्फेस्टेशन का देखा जाता है। इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, तो हाई ह्यूमिडिटी जो होगी तभी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, लो टेम्परेचर। ठीक है, सेप्टेम्बर नवंबर का अगर आप टाइम देखें इस दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, टेम्परेचर लो होने लगता है, विंटर स्टार्ट हो जाता है ना, तो लो टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, लो रेनफॉल, लॉन्गर पीरियड ऑफ मानसून, ये सब इसके फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। बाकी ये इसकी लाइफ साइकिल है कि किस तरह से जो लीफ हॉपर होते हैं वो आगे अपनी जनरेशन स्टार्ट करते हैं, 200 एग्स जो होती है एक अडल्ट फीमेल ले करती है, उसके बाद इसमें से निम्फ इमर्ज आउट होते हैं देन अडल्ट, और उसमें 3 से 4 ओवरलैपिंग जनरेशन हमको एक साल में देखने को मिलती हैं। ओवरलैपिंग जनरेशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे जो मीटिंग होती है इंसेक्ट की वो पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है शुगर केन रूट बोरर। ठीक है, अब रूट बोरर से मैंने आपको बताया था एकदम रूट्स में है, एकदम अंदर को है, ये एकदम दिखाई नहीं देता किसी को, रूट्स के अंदर फंसा हुआ है, डिप्रेस हो रहा है, तो डिप्रेस है ला याद रखना है, गॉट इट। नाउ द कैटरपिलर फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टैम एंड मूव्स डाउनवर्ड्स root as a result of dead heart formation take place which do not give foul smell and could not be pulled out। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शुगर केन का जो रूट बॉरर होता है ये एकदम स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से एक होल बनाएगा, एंट्री होल, उस होल से एंटर करेगा। अब ये ऊपर की बजाय नीचे की तरफ, क्योंकि रूट्स कहाँ होंगी, ये हमारा प्लांट है,
तो यहाँ पे इसने बेस में एक एंट्री होल बनाया, उसके बाद रूट्स नीचे होती हैं क्योंकि इसका नाम रूट बॉरर है, तो रूट्स में एंटर करेगा, नीचे की तरफ जाएगा और रूट्स में डेड हार्ट फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो इन्फेक्शन, उससे कोई बहुत फाउल स्मेल तो आती नहीं है और वो जो प्लांट होता है हम उसको ईजिली अपरूट भी नहीं कर पाते क्योंकि रूट्स पे अटैक कर लेगा और रूट्स को पुल आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का इसका सिम्टम है और ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एग, फीमेल ले 300 ऑफ एग्स एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अ लावा। लावा को यहाँ पे हम कैटरपिलर बोलेंगे। उसके बाद वहाँ से प्यूपा जो है कोकून में प्यूपा डेवलप्ड होता है और वहाँ से फिर कोकून से अडल्ट जो हैं वो इमर्ज आउट होते हैं, ठीक है। तो सो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। अब आता है हमारा शुगर केन शूट बॉरर। शूट पे है ऊपर की तरफ, चिल कर रहा है किसके साथ, कैट के साथ, तो चिलो इन्फर्स कैटलस, ठीक है। लार्वा रीच टू द प्लांट बेस एंड बोर इन टू द शूट एंड मूव अपवर्ड फॉर्मिंग डेड हार्ट्स विच इज गिव ऑफेंसिव ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे शूट बॉरर रूट बॉरर में क्या डिफरेंस है। प्लांट्स तो आपके पास वही है शुगर केन का, ठीक है, और नीचे जड़े हैं। अब ये बेस में अटैक करेगा, शूट बॉरर होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, रूट बॉरर होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा शुगर केन टॉप बॉरर। टॉप में है एकदम, हमारी सोसाइटी में जो टॉप पे रहते हैं वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं नए नए विला में रहने का, ट्रोपोराइजा निवेला, ठीक है। हियर द यंग लार्वा बोर इनटू द मिड रिप ऑफ द लीव्स माइनिंग देयर वेज टू द बेस ऑफ बेस फ्रॉम देयर देयर एंटर द स्पिंडल फीडिंग ऑन द ग्रोइंग पॉइंट्स एंड सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द केन एंड कॉज बंची टॉप एंड डेड हार्ट सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पे इसके सिम्टम्स ध्यान रखना है, टॉप से याद रखना है बंची टॉप प्लस डेड हार्ट। सो हम देख ही रहे थे रूट बॉर्डर भी डेड हार्ट करता है, शूट बॉर्डर में भी अगेन डेड हार्ट होते हैं, तो जो टॉप बोरर होता है वो भी अगेन डेड हार्ट सिम्टम कॉज करते हैं बट अलॉन्ग विद दी बंची टॉप। बंची टॉप्स का क्या है, यहाँ पे क्या मतलब है कि जो शुगर केन का टॉप पोर्शन होता है, आपको पता होगा शुगर केन का जो प्लांट होता है उसके टॉप में इस तरह की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, इनका एक गुच्छा बन जाएगा, क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन से अलग ही ज़्यादा जो लीव्स हैं वो क्लस्टरिंग दिखाएंगी, तो उसको बोलेंगे गुच्छा यानी बंच टॉप, ठीक है। देन द फर्स्ट टू ब्रूट्स ऑफ दिस पेस्ट अटैक यंग प्लांट्स बिफोर द केन फॉर्मेशन इन सब्सिक्वेंट ब्रूट्स। ब्रूट्स का मतलब होता है यहाँ पे जो इनकी लाइफ साइकिल चलती है ना, एक एग से बाद में जो पूरा फॉर्मेशन होता है एग के बाद लार्वा प्यूपा वाला, तो वो ब्रूट्स कहलाता है, ठीक है। जब सब्सिक्वेंट ब्रूट्स स्टार्ट होंगे द पेस्ट अटैक द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द केन, टर्मिनल पोर्शन में अटैक होगा। डैमेज बाय थर्ड एंड फोर्थ ब्रूट्स में रिजल्ट्स इन दी मोर देन 25% रिडक्शन इन द वेट एंड डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ जूस। द लॉस इन शुगर रिकवरी इज 0.2 to 4.1 यूनिट्स, ठीक है। तो शुगर केन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसका जो शुगर कंटेंट है वो बेकार हो जाएगा, जूस क्वालिटी अल्टीमेटली अफेक्ट होगी। अब आ जाते हैं अपने गुरदासपुर बॉर्डर पर। गुरदासपुर मैंने आपको बताया जगह है एक्चुअली में पंजाब में, तो वहाँ पर क्या बनता है, स्टील बनता है नील रंग का, तो स्टील नेला करके आपको याद रखना है। यंग लार्वा एंटर द टॉप पोर्शन ऑफ द केन थ्रू अ सिंगल होल जस्ट अबव द नोड, ठीक है। तो ये भी टॉप बोरर की तरह टॉप पोजिशन में ही अटैक करेगा। फीड करता है ग्रेसली बाय मेकिंग स्पायरल गैलरीज विच रन्स अपवर्ड दस किलिंग दी प्लांट। तो ये स्पायरल गैलरीज बनाएगा प्लांट्स में और ऊपर की डायरेक्शन में प्लांट्स में टॉप पोर्शन पे मूव करता रहेगा। आफ्टर अबाउट 7 to 10 डेज when the cane top has dried up the larva came out and enters the adjoining cane single or in twos, ठीक है। मतलब पहले एक केन को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ड्राई अप करेगा, उसके बाद सेकेंड जो शुगर केन के प्लांट होंगे उनमें ये इन्फेक्शन को उसमें ये अटैक करना स्टार्ट करेगा। तो ये था गुरदासपुर का अटैक। अब आ जाते हैं हम IPM इन शुगर केन, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। किस तरह से हम इनको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम सारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, एक एक करके हम सबको फॉलो करेंगे जिससे रिजल्ट बेहतर मिलता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेस्ट मॉनिटरिंग करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, इन सबका हम कंट्रोल मेजर में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
अपनी नॉर्मल प्रैक्टिसेस की सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाइजीन मेथड्स को एम्फेसाइज करेंगे. मीन्स वी कैन यूज़ हेल्दी सीड्स. सीड्स की बात करें तो शुगर केन में हम जनरली यूज़ करते हैं सैट्स का, ठीक है. तो सैट्स ही यहाँ पे सीड का रोल प्ले करते हैं. तो जो सैट्स यूज़ करते हैं प्लांटिंग पर्पज़ के लिए, दे शुड बी हेल्दी, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेस्ट्रेशन, ठीक है. क्लीन कल्टिवेशन, फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट ऑफ अर्ली इन्फेस्ट्रेशन. सो दीज आर सम मेजर, ठीक है. फॉर द कंट्रोल ऑफ शूट बोरर, स्टॉक बोरर, मिली बग, स्केल इंसेक्ट एंड वाइट फ्लाई, कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सैट्स, सीड एडजस्टमेंट और प्लांटिंग टाइम, ट्रैश, डी ट्रैशिंग. डी ट्रैशिंग का मतलब होता है जो भी ट्रैश होता है, जो कूड़ा करकट होता है फील्ड में, उसको रिमूव करना है ताकि जितने भी इंसेक्ट की जो स्पोर्स और इंसेक्ट की जो हाइबरनेटिंग स्टेजेस हैं वो सब प्रॉपरली किल हो जाए. रिमूवल ऑफ द लेट स्प्राउट्स, लेट शूट एंड प्रॉपर यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर, मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है. इरीगेशन ऑफ फर्टिलाइजर की जो अमाउंट है उसको भी हम मैनेज कर ले तो हम इंसेक्ट के अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली जो इरीगेशन का वाटर होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा उसकी ग्रोथ में. तो हम इरीगेशन अगर कंट्रोल वे में करें या फर्टिलाइजर का डोज कंट्रोल अमाउंट में जुडिशियस तरीके से अप्लाई करें तो इट विल ऑल्सो हेल्पफुल. फॉर प्राइमरी इन्फेस्ट्रेशन ऑफ गुरदासपुर बोरर एंड टॉप बोरर, मैकेनिकल कंट्रोल इज हेल्पफुल, ठीक है. यहाँ पर हम मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं. अवॉइड द यूज़ ऑफ केन सेट्स फ्रॉम फील्ड इन्फेस्टेड मोर देन 40% ऑफ द स्टॉक बोरर्स और स्केल. एग मास ऑफ वाइट ग्रब्स एंड बीटल्स एंड अदर कैन बी पिक्ड अप बाय हैंड, ठीक है. तो यहाँ पे जिनकी एग लेइंग मास में होती है उनको हम हैंड पिकिंग के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल की तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट. पैरासाइट, प्रीडेटर्स, इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है. सो फॉर टॉप बोरर वी हैव अ पैरासिटिक वास्प, आइसोटीमा जिवेंसिस, ठीक है. तो ये एक हमारी पैरासिटिक वास्प होती है जो टॉप बोरर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब ये जो पैरासिटिक वास्प होती है इट मेनली सक्सेसफुल इन साउथ इंडियन कंडीशंस. नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है. द पैरासाइट इज़ नॉट इफेक्टिव इन नॉर्थ इंडिया बिकॉज पेस्ट एंड पैरासाइट बोथ हाइबरनेट इन विंटर्स, ठीक है. पेस्ट भी विंटर में हाइबरनेट कर रहा है और ये जो हमारा पैरासिटिक वास्प है ये भी विंटर में हाइबरनेट करती है, ठीक है. जबकि साउथ में ऐसे कोई कंडीशंस हमको देखने को नहीं मिलती क्योंकि साउथ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो होता नहीं है. विंटर्स की एज सच इतना ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड टेम्परेचर रहता है सालों साल. तो ये जो पैरासिटिक वास्प है ये वहाँ पर सक्सेसफुली अपना रोल प्ले कर सकती है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ पायरिला, ठीक है. जो पायरिला होता है उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिलीज कोकून्स ऑफ एपिकेनिया मिलानो ल्यूका, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट, इसकी फिगर आप साइड में देख सकते होंगे किस तरह से दिखता है, ठीक है. ये इसके हम कोकून्स को रिलीज़ कर देते हैं और एक हेक्टेयर में 4,000 से 5,000 इस इंसेक्ट के जो कोकून्स हैं वो हम रिलीज़ करेंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ पायरिला, ठीक है. फॉर द कंट्रोल ऑफ शूट बोरर, इंटरनोड बोरर, गुरदासपुर बोरर, रिलीज ट्राइकोग्रामा. जो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होती है उसको हम रिलीज़ करेंगे 50,000 पर हेक्टेयर पर वीक में, ठीक है. ट्राइकोग्रामा चिलोनिस तो 1,00,000 पर हेक्टेयर इन 2 to 3 बैचेस. फॉर स्केल इंसेक्ट कॉक्सिनेलिड प्रीडेटर इज यूज. तो कॉक्सिनेलिड आपको दिख रहा है फिगर में, वही लाल और ब्लैक डॉट्स वाला जो इंसेक्ट होता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा फेरो स्काइमस हॉर्नी एंड चिलोकोरस निग्रिटस मे बी रिलीज्ड इन दी फील्ड. ये भी अगेन हमारे कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो आपको मेन याद रखना है दैट ट्राइकोग्रामा चिलोनिस और कॉक्सिनेलिड, ये जो दो नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद रखना है. सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगरकेन क्रॉप. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस. तो हम नेक्स्ट में पल्सेस की कवर करेंगे, उसके बाद जितने भी वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप, ऑयल सीड रह गए उनको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है. तो आज का जो सेशन है यहीं पे एंड होता है. टिल देन टेक केयर एंड बाय.